प्रधानमंत्री जी, आपके रहते भारत की किस्मत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी किस्मत के बारे में दो शब्द जरूर कहूंगा। आपने एक कवच अपने आसपास खड़ा कर दिया। वो कवच आपको सीएजी रिपोर्ट से बचाता है, वो कवच आपको प्राइम टाइम डिबेट से बचाता है, वो कवच आपको किसी भी तरह की पब्लिक स्क्रूटिनी, सार्वजनिक जांच से बचाता है। वो कवच देश की सीमाओं को नहीं बचाता, वो कवच ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे लोगों को नहीं बचाता, वो कवच रेल यात्रियों को नहीं बचाता, वो कवच सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि को बचाता है। ऐसा कवच किसी सरकार को, किसी प्रधानमंत्री को कभी नहीं मिला। काश ये कवच रेल यात्रियों को भी मिलता। एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया एक रेल हादसे पर, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया एक रेल हादसे पर। इस्तीफे का अर्थ क्या होता है? इस्तीफे का अर्थ होता है नैतिक जिम्मेदारी लेना। ना जिम्मेदारी दिखती है, ना नैतिकता दिखती है। आपको क्या उम्मीद है यहां से कोई इस्तीफा आएगा? हमें तो यह नहीं समझ में आ रहा हम इस्तीफा मांगे किससे। वो व्यक्ति जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन की भी हरी झंडी दिखा के उद्घाटन करते हुए दिखता है वो, या वो जो कल सुबह से अपनी पब्लिसिटी में लगे हुए हों, टोपी पहन के कैमरा लेकर घूम रहे हों, किसका इस्तीफा मांगे हम? प्रधानमंत्री, हम आप पर छोड़ते हैं, आप किसका इस्तीफा लेना चाहते हो? लेकिन ये देश उम्मीद करता है कि जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने, जिस तरह से माधवराव जी सिंधिया ने इस्तीफा दिया था, आप भी अपने रेल मंत्री से इस्तीफा लेंगे। हमारे तीन सवाल, क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर दो, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप उठाएंगे। माफ कीजिएगा, अगर ये कवच प्रधानमंत्री जी के आसपास आप लोगों ने नहीं खड़ा किया होता तो ये सवाल बहुत पहले उठते, सीएजी रिपोर्ट्स के सवाल उठते, इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं छपते हुए हम देखते, इस पे चर्चा और डिबेट्स होती, तो शायद ये 288 लोग अपनी जान नहीं गंवाते। हमारा और आपका काम सरकार को जनता से बचाने का नहीं है, जनता को सरकार से बचाने का। अभी भी समय है, हम सबको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, नहीं तो ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लोगों की जान जाती रहेगी, और यूं ही हम एक दूसरे को ढांढस बनाते रहेंगे।